नशे के शिकार व्यक्ति ही ड्रग पेडलर बनते हैं। नशे की रोकथाम के लिए अब वार्ड स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए SHO भी ब्लैक स्पॉट सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग को सुझाव दे सकते हैं। ये बात DGP प्रदेश पुलिस सीताराम मंडी ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। नशे के शिकार व्यक्ति ही ड्रग पेडलर बनते हैं। नशे की रोकथाम के लिए अब वार्ड स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए SHO भी ब्लैक स्पॉट सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग को सुझाव दे सकते हैं। ये बात DGP प्रदेश पुलिस सीताराम मरड़ी ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। DGP ने कहा कि नशे के शिकार जो ड्रग पेडलर बनते हैं उन्हें नशे से निजात दिलाना जरूरी है ताकि जेल से छूटने के बाद वे पुनः इस धंधे में ना जुटें। मरड़ी ने कहा कि पहले पुलिस थानों में नशा निवारण समितियां बनी थी, उसके बाद पंचायत स्तर पर इनका गठन किया, अब वार्ड स्तर पर ऐसी समितियां गठन की जाएंगी। पुलिस विभाग के अधिकारी भी जहां दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके लोक निर्माण विभाग को उनमें सुधार के लिए भेजें। यही नहीं, SHO भी अपने स्तर पर उन्हें कोई ब्लैक स्पॉट नजर आता है तो लोक निर्माण विभाग को सुधार हेतु पत्र लिख सकते हैं। और डी एडिक्शन करने से ही समस्या का हल होगा, और सिर्फ पेडलर्स को पकड़ते जाए और वो एडिक्टेड रहे और बाहर आने के बाद वो फिर से कोशिश करेगा कि कुछ और प्रोक्योरमेंट करे। अब इसी से हमें और समस्या भी आने लगी। अब कई जगह जो मोटरसाइकिल्स, स्कूटी, कार वगैरह का जो थेफ्ट होते हैं वो जो ड्रग एडिक्ट से लिंक्ड पाया गया, क्योंकि वो पैसा तो चाहिए उसको ड्रग्स खरीदने के लिए। एक ऑप्शन है ड्रग बेचना और दूसरा ऑप्शन है चोरी करना, और उठा के किसी भी दाम पे बेच देगा और उससे ड्रग खरीदेगा। तो हमने देखा कि समस्या का अगर जड़ से उखाड़ना है तो जो एडिक्टेड लोग हैं उसको डी एडिक्ट करना, और हमारे जो नशा निवारण समिति वाले भी पंचायत लेवल पे भी हमने 100% सारे पंचायत को कवर कर लिया। पहले पुलिस स्टेशन लेवल पर नशा निवारण समिति था, अब वो पंचायत लेवल पर हो गया और कुछ जगह वार्ड लेवल में भी पहुंच गए हैं। हमें हमारा प्रयास है कि हर एक वार्ड में एक नशा निवारण समिति होना चाहिए और वो आइडेंटिफाई करे जो ड्रग एडिक्ट्स को, और पुलिस को बता दे ताकि हम इसको डी एडिक्शन का कोशिश करते हैं, जहां पे भी ले जाना है ले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इसको जो ड्रग सप्लायर्स का आइडेंटिफिकेशन करे, पुलिस को सूचना करे, और इससे भी हमें हमारा काम का इसमें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये मैंने आज एक और इंस्ट्रक्शन इनको बोला है SHOs को। एक तो होता है हम ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं, जहां रिपीटेड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका डाटा निकाल के कलेक्ट करके हमारा कंप्यूटर एनालिसिस करके हम उसको ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करके PWD को देते हैं। ये एक फॉर्मल वे में हम करते हैं और इसको रिमूव कराने का प्रयास करते हैं। और दूसरा मैंने कहा कि जो SHOs को कि अगर आप कोई एरिया देखते हो, रोड देखते हो जहाँ पे मोड़ है, जहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी नीचे गिर सकता है, ऐसा अगर आपको महसूस होता है ऐसा स्पॉट के लिए थोड़ा पैरापिट या जो एंटी क्रैश जो बैरियर्स लगाने के लिए आप खुद ही चिट्ठी लिख दो PWD अथॉरिटीज़ को कि यहाँ कभी भी हो सकता है या उसको थोड़ा सा सुधारना है, थोड़ा कटिंग और करनी है, जो भी ज़रूरी है, ताकि हमारा मकसद है कि जो जान जाने जाती है जो एक्सीडेंट की वजह से, इसमें कमी आई। और एक अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं लोगों के साथ, ये भी कर रहे हैं कार्यक्रम में। एक बार विभक्त चलाए छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।